तो होगा ना, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो क्या करना चाहिए, ऐसा है तो क्या करना चाहिए, कुछ है भाई बताओ। हाँ भाई जी, देख अच्छी बात बता रहा है। इमोशनल, इमोशनल इंग्लिश में बोल रहे हैं, हम इंग्लिश नहीं आता, हिंदी में बताओ ना। आप कहते हैं इमोशनल, इमोशनल क्या, माता जी पूछते इमोशनल क्या है, हाँ क्या है ये बताएगा, इमोशनल क्या है हाँ बताओ, कौन बताएगा। हाँ ये बाबा ने 2 दिन 3 दिन पहले, देखना 3 हफ्ते पहले मुरली में इसका जब प्रश्न पूछा था, लेकिन जवाब बाबा ने दिया, लेकिन आपको भी ढूंढना है। बाबा ने क्या जवाब दिया, 3 रविवार पहले, मैंने एक महीने से पहले, शुरू में सितंबर में, अगस्त फर्स्ट वीक में होगा, रविवार के मुरली में सुनाया था। क्या सुनाया, बाबा ने कहा बच्चे बुद्धिमान कौन, बाबा ने कहा बुद्धिमान कौन, बुद्धिमान वो है जो अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखता है, जो आपने इंग्लिश में बोला इमोशन। इंटेलिजेंट कौन है, बुद्धिमान कौन है, जो अपनी इमोशन को, इमोशन मतलब भावना, किसी को देखते ही रोना आता है, किसी का ऑपरेशन चलता है उसका आपको कुछ नहीं हुआ, आपको देखते चक्कर आ जाता है, किसी ने शरीर छोड़ा देखते रोना आता है ना, कोई आइसक्रीम खाता है देखते आपके मुंह में पानी आता है, खा रहे हो और आपके मुंह में पानी आता है, तो ये भाव, ये इसको कैसे कंट्रोल करें, ये प्रश्न बाबा ने पूछा। अब उसके ऊपर जो कंट्रोल करता है उसको बाबा ने कहा बुद्धिमान। तो आपकी भावनाओं को कौन कंट्रोल करे वो आप बताओ, तो भावना कहाँ है, इमोशन कहाँ है, बुद्धि में। तो बुद्धि में भी मन बुद्धि संस्कार है, बुद्धि में भी 3 बातें सुना था, एक बुद्धि निर्णय देती है, एक बुद्धि स्थूल चीजों का चित्र दिखाती है, सूक्ष्म चीजों का बुद्धि अनुभव करती है ना, आम मीठा है बुद्धि अनुभव करती है, आम खट्टा है, हरा है कि पका है बुद्धि देखती है ना, और मन में जो विचार आता है बुद्धि निर्णय देती है, 3 बुद्धि के मुख्य कर्तव्य। भावना तो वो भी बुद्धि सूक्ष्म है, अनुभव करती है, बुद्धि का अनुभव हुआ तो रोना आता है, तो वो भावनाओं को कंट्रोल कैसे करें, कौन करे, तो उसको ज्ञान और योग, यहां शरीर छोड़ना ही इनको, ये उनके कर्मों का फल है, ड्रामा में हर एक अपना पार्ट है उसको बजाना है, मेरा धर्म क्या है, तो उसके पास ये ज्ञान और शक्ति, अगर बुद्धि के अंदर पावर है तो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता है। माना कि कोई रसगुल्ला खाता है, आइसक्रीम खाता है, मेरे मुंह में पानी नहीं आता, मुझे खाना चाहिए, ये फीलिंग नहीं आती, ये फीलिंग फ्लू, बाबा कहते बुखार है ना, तो फीलिंग में नहीं आएगा, फीलिंग प्रूफ, तो कौन हो सकता है जो स्वयं के ऊपर बुद्धि बल चाहिए, बुद्धि बल अर्थात जो योग बल चाहिए, योग बल अर्थात कल रात शाम को जो किया था मन बुद्धि, अच्छे विचार करते करते परमधाम में शिव बाबा तक जोड़ा, तो बुद्धि को शक्ति मिलती है, तो उसको कहते बुद्धि दिव्य है, स्वच्छ है। तो अगर मन में कुछ गलत विचार आता है, कुछ संस्कार आदत जागृत होती है, बुद्धि उसको कन्विंस करती है, इधर भी रोकती है इसको भी रोकती है, मन और संस्कार के ऊपर कंट्रोल, उसको बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी, स्वयं के ऊपर राज करो, तो बुद्धि बल चाहिए, तो ऐसा साइलेंस में बैठ के एकाग्र होके योग की शक्ति चाहिए, उसको ब्रह्मा कुमारी आश्रम में कहते हैं शांति की शक्ति। शांति माना मन और बुद्धि में कोई भी देहधारी के विचार न चलते हुए आत्मा का चिंतन करते, परमात्मा का चिंतन करना, आत्मा और परमात्मा, आप और बाप और कोई नहीं आना चाहिए, तो ये करने की विधि बताए थे कल, तो यहां से परमधाम तक बुद्धि एकाग्र करते हो, विधि बताए, अपने आप नहीं बताए, तो वो शक्ति जो लेते हो, जैसे पानी है सूर्य भी ऊपर है तो पानी गर्म कैसे करता, सोलार की प्लेट डालते हैं तो पानी को उबालता है ना, गर्म एकाग्र सूर्य की किरण एक जगह कर करता है, ऐसे आपका मन बुद्धि शिव बाबा पर एकाग्र करते हो, उसकी शक्ति से इस पाप को गला देता है, समझ में आया, तो क्या होता है ये जानना चाहिए, समझ में।
बुद्धि बल चाहिए, योग बल चाहिए, ज्ञान की बल चाहिए, सारा ज्ञान चाहिए, किस समय क्या करना, कैसे करना चाहिए, तब आप इमोशन पर प्राप्त कर अधिकार प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो नहीं, भावना में आ जाते हैं, है ना, किसी के प्रभाव देखकर प्रभावित हो जाते हो। हाँ और बताओ, ठीक समझ में आया?